हेलो बच्चों, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज का जो टॉपिक है स्पेशली वो है अपने ट्वेल्थ आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर आप ट्वेल्थ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कौन कौन से डिग्री कोर्सेज हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं ट्वेल्थ आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहला देखते हैं बेटा डिग्री कोर्सेज की मैं आपको नॉलेज देता हूँ। डिग्री कोर्सेज क्या है? सिंपल से आपके 3 ईयर्स ड्यूरेशन के डिग्री कोर्सेज होते हैं, जिसको बैचलर डिग्री बोल सकते हैं या अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो ऑब्वियस सी डिग्री है। आपको सब बोलते हैं अगर आप आर्ट्स के हैं तो बीए तो आप करोगे ही। अच्छा, बैचलर डिग्री या डिग्रीज जो है ये कंपलसरी है बेटा अटेंड करना। आपको इनमें से कोई ना कोई एक डिग्री तो परस्यू करनी ही पड़ेगी या करनी ही चाहिए, राइट। बैचलर ऑफ आर्ट जिसमें अलग अलग स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाएगा, आपको आर्ट्स मिल जाएगा, आपको ज्योग्राफी मिल जाएगा, आपको पॉलिटिकल मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, आपको लैंग्वेज मिल जाएगा, आपको इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगा। तो आप अलग अलग स्पेशलाइजेशन है जिस पे आप अपना बीए कंप्लीट कर सकते हैं। 3 ईयर्स की इसकी ड्यूरेशन रहती है, राइट। सेकेंड आता है बीएफए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अगर आपको डांसिंग का शौक है, अगर आपको ड्राइंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है, ड्रामा का शौक है, तो फाइन आर्ट्स आप परस्यू कर सकते हैं। इसकी भी ड्यूरेशन अगेन 3 ईयर्स की होती है, राइट। थर्ड देखते हैं बेटा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि 5 ईयर्स का आपका डिग्री कोर्सेज होता है, जिसमें आपको आर्किटेक्चर लाइन के बारे में समझाया जाता है। हो रहा है क्लियर? फिर आपके पास आता है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये नई थोड़ी रेलेवेंट लाइन है। इसमें क्या है बेटा, अगर आप एनजीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना चाहते हैं या सोशल वर्क करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है ये। अगर आप एनजीओ जैसे एज अ काउंसलर वर्क करना चाहते हैं वहाँ पर, तो ये भी 3 ईयर्स की ड्यूरेशन का डिग्री कोर्स अवेलेबल है, राइट। फिर आता है आपके पास फिफ्थ देखते हैं अपन LLB, जो कि एक लॉ की लाइन है, लीगल लाइन है, ये भी आप कर सकते हैं। देखो LLB का क्या फंडा है बेटा, यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्सेज अवेलेबल है अगर आप परस्यू करने के सोच रहे हो। दैट मीन्स BA प्लस LLB, BSc प्लस LLB, BCom प्लस LLB, आपके लिए रेलेवेंट क्या रहेगा, BA प्लस LLB। यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज भी कराती है, उसके थ्रू आपको क्लैट एग्जामिनेशन फाइट करना पड़ेगा। नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से BA प्लस LLB कर सकते हैं अगर आपको लीगल लाइन में या लॉ की लाइन में आगे बढ़ना है, जजेस बनना है, ठीक है, लॉयर बनना है, तो आपके लिए LLB रेलेवेंट डिग्री हो सकती है। अगेन LLB की ड्यूरेशन 2 ईयर्स की होती है, अगर आप इंटीग्रेटेड करेंगे तो 5 ईयर्स पड़ जाएगा, 3 ईयर्स का BA, 2 ईयर्स का LLB। पूरा क्लियर? सिक्स देखते हैं बेटा BBA मैनेजमेंट लाइन। देखो आर्ट्स का स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि आर्ट्स के लिए जो स्पेसिफिक लाइन है वो ही करे, बहुत सारे रेलेवेंट कोर्सेज हैं। BBA जैसे एक इंडिपेंडेंट कोर्स है, इसको एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है, साइंस का भी कर सकता है और एक आर्ट्स का भी कर सकता है, ठीक है। ये भी 3 ईयर्स की ड्यूरेशन का है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है इसको। ये मैनेजमेंट जो लाइन है उसमें अगर आपको परस्यू करनी है स्टडी तो उसके लिए है। ये MBA होता है, उसका छोटा भाई है, ठीक है, MBA का छोटा भाई BBA, बड़ा भाई MBA। तो आप BBA के बाद MBA भी कर सकते हैं अगर आपको उसी फील्ड में, उसी मैनेजरियल रेलेवेंट फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क करना है अगर आपको आगे बढ़ना है। हो रहा है क्लियर? फिर आता है आपका BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है ना, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इन लाइन में इंटरेस्ट है, गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो BCA वो परस्यू कर सकता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि बहुत अच्छा 3 ईयर डिग्री का कोर्सेज है। इसके बाद आप BCA के बाद MCA कर लीजिए, MCA का छोटा भाई BCA, बड़ा भाई MCA, तो यहाँ पर आप MCA भी कर सकते हैं BCA के बाद अगर आपको कंप्यूटर लाइन में ही अपना कैरियर बनाना है तो, राइट। लास्ट आता है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जो आपका बैचलर इन होटल मैनेजमेंट बोला जाता है BHM, वो भी 3 ईयर्स की डिग्री कोर्सेज है। ये बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, बच्चे कर रहे हैं BHM भी, होटल मैनेजमेंट लाइन में जा रहे हैं, जिसमें 3 ईयर्स की ड्यूरेशन है आपका डिग्री कोर्सेज है। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BHM का कोर्सेज करा रही है। शेफ की लाइन हो गई, लॉबिंग की लाइन हो गई, बहुत सारे इस पर भी स्पेशलाइजेशन है। ज़रूरी नहीं है कि आपने होटल मैनेजमेंट अगर परस्यू कराया तो आपको शेफ ही बनना है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये थे अपने डिग्री कोर्सेज जो कि एक आर्ट्स का स्टूडेंट परस्यू कर सकता है। ये सिर्फ बेटा यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत हैं, मैंने पॉपुलर ऑप्शंस लिए हैं आपके बारे में, ठीक है। अगर आप इसके अलावा भी जानते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये जो मोस्ट पॉपुलर इंडिया में चूज करे जाते हैं स्टूडेंट के द्वारा, वो मैंने आपको डिग्री कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। अब बढ़ते हैं बेटा अदर कोर्सेज। मान लीजिए ये आप इनमें से आपने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं आप, एक
कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कैरियर ऑप्शन को थोड़ा एनहेंस या बढ़ा देता है, आपको अच्छी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक बंदा है जिसके पास सिर्फ डिग्री है, लेकिन एक बंदा है जिसके पास डिग्री प्लस डिप्लोमा है, तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे अच्छी जॉब को पाने के। हो रहा है क्लियर? तो अदर कोर्सेज में बेटा मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, अगर आपको जर्नलिज्म लाइन में जाना है, जर्नलिज्म कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, आपको न्यूज़ रिपोर्टिंग एंकर बनना है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट में बोलना है, ठीक है, एज अ लीडर बोलना है, तो मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रेलेवेंट फील्ड है। इसके भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट हैं तो आप मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन परस्यू कर सकते हैं, राइट। फिर इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बेटा, डिग्री कोर्सेज हैं इसका भी, डिप्लोमा कोर्सेज होता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होता है, जिसमें आपको 6 मंथ की ड्यूरेशन से लेकर 3 ईयर्स की ड्यूरेशन तक आपको डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको इवेंट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, कोऑर्डिनेट करना अच्छा लगता है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं, तो आप इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं, राइट। फिर आता है एक्टिंग कोर्सेज, अलग अलग एक्टिंग ड्रामा, अगर किसको थिएटर लाइन में इंटरेस्ट है तो एक्टिंग कोर्सेज, डिप्लोमा है, डिग्री कोर्सेज हैं, या फिर आपका क्या है सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। फिर एनिमेशन कोर्सेज, आपको गेमिंग का शौक़ है, आपको सॉफ्टवेयर बनाने का शौक़ है, या फिर आपको मल्टीमीडिया का शौक़ है, मल्टीमीडिया मूवीज़ बनाने का शौक़ है, तो कहीं ना कहीं अगर आपको कंप्यूटर लाइन में थोड़ा फैसिनेशन है, इंटरेस्ट है, तो अगर आप एनिमेशन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट कोर्सेज ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि अलग अलग ड्यूरेशन का होता है, 3 मंथ के 6 मंथ के 1 ईयर्स के, तो अगर आप वो भी परस्यू कर सकते हैं, राइट। फिर आता है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्सेज, अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, जो कि बहुत आर्ट्स के स्टूडेंट को होता भी है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप बेटा, बीएड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 2 ईयर्स का है, आपका डिग्री कोर्सेज के इक्वलेंट ही होता है वो। आप टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज अलग अलग हैं आपका, अगर आपको 1 to 5th पढ़ाना है, 5th से 10th तक पढ़ाना है, 10th से ऊपर PGT में पढ़ाना है, तो अगर आपको अलग अलग टीचिंग कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, अगर आपको टीचिंग लाइन में परस्यू करना है तो, राइट। फिर आता है डिज़ाइनिंग कोर्सेज, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो जाता है, फैशन डिज़ाइनिंग आ जाता है, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बेटा डिज़ाइनिंग में आपका, अगर आपको उस रेलेवेंट या पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग है, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी का बहुत हो रहा है आजकल, तो वहाँ पर क्या है आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल है, राइट। फिर है आपका फोटोग्राफी कोर्सेज, अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में, वो आप इन डिग्रीज के साथ परस्यू कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं, राइट। फिर आपके पास ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्सेज है, अगर आपको फ्यूचर में गाइड बनना है, ठीक है, या अगर आपको ट्रैवलिज्म या टूर एंड ट्रैवल लाइन में एंटर करना है, यहाँ पर वहाँ पर आपको कैरियर बनाना है, तो अगर वहाँ पर भी आप सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी आपका डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज कराता है, तो आप उस फील्ड में एंटर होना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज में मास्टरी अटेन करना चाहते हैं, इधर इट इज़ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जो भी है आपकी लैंग्वेज, उसमें आप सर्टिफिकेट कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं, जो कि आपको कई कई इंडस्ट्रीज होती है बेटा, वहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हैं। लास्ट ब्यूटिशियन कोर्सेज, अगर आपको गर्ल हैं, अगर आप, ठीक है, बॉय भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं जिनको थोड़ा मेकअप फैशन वाली लाइन में इंटरेस्ट है, और जिनको बेटा कोई भी फील्ड छोटी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ब्यूटिशियन लोग भी लाखों कमाते हैं अगर आपका नाम है मार्केट में, ठीक है, आपको बस अपनी फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है, आपके पास पैसे, इनकम, रेपुटेशन, फेम, तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है, तो ब्यूटिशियन कोर्सेज भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो कि आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज कराता है, ठीक है। तो ये था अपना अदर कोर्सेज में मैंने जो कि पॉपुलर हैं, मैंने सारों की नॉलेज दे दी आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है या उस रेलेवेंट फील्ड में जाना है, तो ये थे अपने आज पॉपुलर, मैंने डिग्री कोर्सेज और अदर कोर्सेज की आज आपको नॉलेज दे दी, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए स्पेशली आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, थैंक यू सो मच।